तो चने खा खा के सभी जगह तबाही मचा रखी है जी जी जी। इतने सारे चने लाए, साधना जी ने सारे के सारे चने खा लिए। साधना जी, इतने सारे चने क्यों खा लिए आपने, बताओ? हैं, किसी को दिए नहीं आपने, सारे चने खा गए हैं, क्यों? चना खा के अच्छा है, मज़ा लगा? मज़ा आया? कैसे बने थे? बहुत टेस्टी थे। हरे हरे थे ना, बढ़िया। गाँव वाले अच्छे रहते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज एक्चुअली ऑफिस से आते हुए साधना जी ने बोला था कि चना खाने का मूड हो रहा है, चने की सब्जी बनाना है, चने खाना है। एक्चुअली क्या है, यहाँ शहरों में चना मिलता नहीं है। तो मैं ऑफिस से जब आ रहा था कंपनी से अपने, तो मैंने देखा कि एक रेड़ी में एक आदमी चना बेच रहा था। तो मैंने उससे देखो बहुत सारे चने ले लिए, अभी थोड़ी चना। एक्चुअली गाँव में जब होते हैं तो गाँव में तो फ्री में खाने को मिल जाता है। क्या जस्सू, देखने दो, देखा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि गांव में तो फ्री में हमें खाने के लिए मिल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि चना भी खाना है ना तो खरीद के खाना पड़ता है। इसीलिए ये मैं चना लेके आया हूँ। और आज हम चना, एक तो देखो सब्जी भी बनाएंगे छील छील के इसका, जिसको बिरहुला बोलते हैं, बिरहुला बनाएंगे। और इसको वैसे भी टेस्ट कर रहे हैं जैसे गाँव में खाते हैं इसको, एक एक छील छील के, और आनंद की अनुभूति लेंगे। साधना जी कैसा लग रहा है? अच्छा। जो गांव वाले होते हैं हमारे फ्री वाले, और इसमें क्या टेस्ट का कुछ अंतर है, कुछ लग रहा है? अभी गांव वाले जो होते हैं एक्चुअली उनमें थोड़ी एक अजीब सा बढ़िया सा खारापन होता है, ये धुले हुए हैं तो इनमें खारापन नहीं हुए। गाँव वाले भी झुलके ही खाते हैं, लेकिन इसमें धो के दिया है पहले से, इसमें खारापन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया है खाने में। अजीब मस्त सा टेस्ट है, ये देखो दाने सारे एकदम से दाने ही दाने हैं इसमें। और सब्जी जब बनाएंगे, सब्जी भी आपको दिखाएंगे भी रहुला की जब बनेंगी। और शहरों में देखो यही रहता है, शहरों में जो गांव की जो मज़े होते हैं वो शहरों में नहीं मिलते हैं, जो शहरों के मज़े हैं गाँव में नहीं मिलते। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। शहरों में क्या है, शहरों में चने वने सब्जी वब्जी भी सब मजे रहते, सब घर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको चने खाने हैं तो बाहर से खरीद के खाने पड़ेंगे, कुछ भी नॉर्मल छोटी सी भी सब्ज़ी खानी है तो बाहर से लेके खानी पड़ेगी। अभी मान लो घर है, गांव है अपना, तो वहाँ सब घर में ही हो जाता, तो वहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर हम खा रहे हैं, अब यहाँ पर बस थोड़ी सी 10 डंडे मिली हैं। अब इसका रेट का आप नहीं मानोगे, ये 1 किलो चना ये पूरा पेड़ सहित 50 रुपये किलो मिला है यहाँ पे, सोचो ना, पर 50 रुपये किलो, ठीक है। और 1 किलो में तो सारे चढ़े हैं, तो आप भी बताओ कितना महंगा है यहाँ पे। लेकिन टेस्ट है, बढ़िया है, दाने अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है। और ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया खा रहे होगे, चने इन्जॉय कर रहे होगे इस सीजन में। और दोस्तों आप हमारे ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और यदि वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो हमारे कैसे लगते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल जाया करे। और दोस्तों चने जब खाओ ना तो इसमें ज़रूर देखो, इसमें वो रहता है, कीड़ा रहता है तो इसको देखो ख़राब कर देता है। जैसे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखो, पूरा खोखला कर देता है, इसमें कीड़ा भी कई बार घुसा रहता है। तो वैसे जब आप चने खाते हो तो एक बार देख के खाना है, नहीं तो आप पता चले कीड़ा खा गए, जिसको बोलते हैं जोराई जोराई। हाँ, जस्सू बोले इसको खोलो, खोल खोल के जस्सू को देना पड़ता है जब जस्सू हमारी खा पाती है। ये लो बच्चा, ये लो, ये लो 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 लो। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। बोलो जस्सू बाय 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 टाटा। साधना जी बाय बाय टाटा।